अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है द अध्ययन स्कूल, शताब्दी नगर, मेरठ। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। ऐसा भी मेरठ में ही संभव है। यहाँ बिना कागजात वे कंपनी के बोर्ड के भी पेट्रोल पंप चलाया जा सकता है। कल सूचना आई तो आज जिला प्रशासन ने कंकड़खेड़ा में छापा मारा और अवैध रूप से चलते पंप को सील कर दिया। मौके से हिरासत में लिए गए कर्मचारी यह पंप किसका है और किस कंपनी का है आदि का संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। दरअसल कंकड़खेड़ा थाना क्षेत्र के भोला रोड स्थित पठानपुरा गांव में 3 दिन पहले बायोटेक डीजल पेट्रोल पंप का उद्घाटन हुआ था। क्षेत्रीय नागरिकों ने पेट्रोल और डीजल की गुणवत्ता पर सवाल निशान लगाते हुए इसकी शिकायत बीते दिवस एडीएम सिटी से की थी। आज एडीएम सिटी ने दलबल के साथ वहां छापा मारा तो इससे पहले पंप मालिक अलीगढ़ निवासी गौरव कुमार व मैनेजर अंकुर कुमार मौके से भाग निकले। वहां किसी कंपनी का बोर्ड भी नहीं था। कागजात मांगे गए तो वहां मौजूद स्टाफ को जवाब नहीं दे पाया। जमीन में दबे टैंकरों से डीजल व पेट्रोल के नमूने लिए गए तो पाया गया उसमें सॉल्वेंट जैसा कोई पदार्थ भरा हुआ है। आइए देखते हैं क्या बता रहे हैं एडीएम सिटी। देखिए, इस पेट्रोल पंप के बारे में सूचना आई थी मेरे पास कल रात को और ये आया था कि यहाँ पर कोई बोर्ड नहीं है, सूचना नहीं है कि कंपनी कौन सी है क्या है। सुबह मैं जब आया मैंने करीब 10 बजे के आसपास, 10:30-11 बजे के आसपास चेक किया इनको तो 2 आदमी यहाँ पर थे। मैंने उनसे पूछा कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स वगैरह कुछ है तो वर्चुअली दे हैड नथिंग। उसके बाद मैंने थाने वालों को, सप्लाई वालों को, बाटमाप वालों को कॉल किया है। जाँच चल रही है बट प्राइमा फेसी इनके पास कागजात कुछ भी नहीं। तो इलीगल है ये, कम्प्लीटली इलीगल पंप है।